हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम इसे कंप्लीट करेंगे मैप जो हमने बनाया था ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड में। ये इनकम्प्लीट है। आपने इसे कंप्लीट किया होगा आई होप एट योर होमवर्क। अगर नहीं किया सो सी हाउ टू कंप्लीट इट। दिस इज पेज नंबर 120 ऑफ चैप्टर 8 मैपिंग योर वे ऑफ क्लास 5th। लेट्स कंप्लीट दिस मैप। 1 2 सेकेंड स्क्वायर, ड्रॉ दिस स्ट्रेट रूट। लाइक दिस। देन नेक्स्ट स्क्वायर में ड्रॉ करेंगे and then here, इसके अंदर ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर आप इसमें कलर कर सकते हैं। देन जॉइन दिस सर्कल। See this curve? आपका फिगर कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ की हैं, पैरेलल लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। लाइक दिस 2 लाइंस हैं, पैरेलल हैं। आपकी नोटबुक में भी होती हैं पैरेलल लाइंस। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जहाँ तक ये इंड हो रही हैं। इन रोज, रो में भी आप देखेंगे 2 पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। नाउ इसे हमने कर लिया। नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। शेप चेंज नहीं हुआ बट साइज चेंज हो गया, बिगर हो गया। क्वेश्चन 3। इफ यदि द परेड रूट मैप नक्शा इज है स्मॉलर, छोटा एंड और द डिस्टेंस दूरी बिटवीन के बीच में इंडिया गेट एंड विजय चौक और विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। व्हाट क्या वुड बी होगा इट्स इसका स्केल। इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। यदि परेड रूट मैप में परेड रूट स्मॉलर हो जाए, छोटा हो जाए तो, और डिस्टेंस इंडिया गेट और विजय चौक के बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर बन जाए तो ऑन स्केल ये क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स स्केल, इसका स्केल क्या होगा।
सो सी मैप नंबर, ओपन पेज नंबर 115, मैप 3, विजय चौक एंड इंडिया गेट का बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाए, देन व्हाट वुड बी इट्स स्केल? स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऑन मैप 2 सेंटीमीटर, ऑन ग्राउंड 1 किलोमीटर. सो यहाँ पर स्केल है, 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर बनाया है ऑन मैप में. हमारा जो टोटल डिस्टेंस था अब वो स्मॉलर हो चुका है, कम हो गया. तो बोल रहे हैं अगर ये 2 सेंटीमीटर हो तो इसका स्केल क्या होगा? 2 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के इक्वल है. दैट मीन्स ऑन मैप इफ इट इज 2 सेंटीमीटर देन ऑन ग्राउंड इट इज 1 किलोमीटर, बिकॉज मैप के बॉटम में लिखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो हेयर आर ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. सेकेंड ऑप्शन, 0.5 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. थर्ड ऑप्शन, 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. अगर मैप में 2 सेंटीमीटर हो तो ग्राउंड में 1 किलोमीटर होगा, और मैप के बॉटम में भी यही लिखा है. सो डैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, डांसर्स फ्रॉम से डिफरेंट विभिन्न स्टेट्स राज्य, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स से डांसर्स हैं जो डांस करते हैं. सीन दिस पिक्चर्स, डिफरेंट स्टेट्स के हैं, डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट ड्रेसेस पहनी है इन्होंने. द चिल्ड्रन बच्चे सौ देखते मैनी बहुत सारे फ्लोर्स झांकी एंड और डांसर्स इन द परेड, इन में द परेड. द चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोर्स झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड. बच्चों ने परेड में बहुत सारी झांकियाँ देखी और डांसर्स देखे. डांसर्स फ्रॉम से कर्नाटका वर्ड थी द बेस्ट, सबसे अच्छे. डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, कर्नाटका से जो डांसर्स थे वो सबसे अच्छे थे. ऑल सभी दीज यह पीपल लोग हैव टू ट्रैवल, ट्रैवल यात्रा सो मच टू कम टू दिल्ली. सो मच बहुत ज़्यादा, कम आने, टू को दिल्ली. यहाँ पर चिल्ड्रन बातें कर रहे हैं, इन्होंने परेड देखी, वहाँ ब्यूटीफुल झांकियाँ देखी, डांसर्स देखे. तो वन स्टूडेंट कह रही है डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, कर्नाटका के डांसर्स बहुत अच्छे थे. और दूसरी स्टूडेंट कह रही है ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली, दिल्ली आने के लिए इन्होंने बहुत डिस्टेंस ट्रैवल की. आई लाइक, आई मुझे लाइक पसंद द त्रिपुरा डांस, त्रिपुरा का डांस. यहाँ डिफरेंट स्टेट्स के लोग आए थे. फ्रॉम से त्रिपुरा एंड और सिक्किम दे वे हैव टू ट्रैवल, ट्रैवल यात्रा फार दूर, बट लेकिन हरियाणा एंड और उत्तराखंड आर हैं क्लोजर टू दिल्ली, क्लोजर नज़दीक टू दिल्ली, दिल्ली के नज़दीक. आई लाइक द त्रिपुरा डांस. फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली. कह रहा है कि मुझे त्रिपुरा का डांस अच्छा लगा, त्रिपुरा और सिक्किम से उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि वह दूर है, त्रिपुरा एंड सिक्किम दूर हैं, बट हरियाणा और उत्तराखंड स्टेट्स दिल्ली के पास हैं. ओके, सो यहाँ डिफरेंट स्टेट्स हैं, कुछ दिल्ली से नज़दीक हैं, कुछ दिल्ली से दूर हैं. लुक, देखो एट पर द मैप, नक्शा ऑफ इंडिया, भारत का. ब्लो नीचे एंड और फाइंड आउट द स्टेट्स राज्य. दीज यह चिल्ड्रन बच्चे आर हैं टॉकिंग, बातें अबाउट के बारे में बातें कर रहे हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं. आंसर उत्तर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रश्न का. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, ब्लो एंड फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चन. मैप को देखो, इंडिया का मैप देखो, मैप 5, मैप ऑफ इंडिया. नीचे दिए गए इंडिया के मैप को देखो और फाइंड करो उन स्टेट्स के बारे, उन स्टेट्स को जिनके बारे में बच्चे बातें कर रहे हैं, और आंसर करो
की नीचे क्वेश्चंस हैं उनका। सो यहाँ पर बच्चों ने बात की कर्नाटका, त्रिपुरा, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड एंड दिल्ली, जो दिल्ली से नज़दीक हैं। सो हियर डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड दिल्ली। यहाँ पे परेड हो रही है, यहाँ इंडिया गेट है, बच्चे यहाँ गए परेड देखने, रिपब्लिक डे परेड। कर्नाटका, कर्नाटका साउथ साइड है, हेयर कर्नाटका, ये बहुत ज़्यादा दूर है तो इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। बच्चे बातें कर रहे हैं, ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली, ओके। एंड त्रिपुरा, हेयर देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड सिक्किम, तो त्रिपुरा एंड सिक्किम है ईस्ट साइड, इन्हें भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा टू कम टू दिल्ली। उत्तराखंड, हेयर उत्तराखंड, हेयर हरियाणा, सी ये नियरेस्ट हैं, ओके, दिल्ली से नियर है, क्लोज़र टू दिल्ली, तो इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आप उत्तराखंड से दिल्ली बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। सो उत्तराखंड एंड हरियाणा दिल्ली, कर्नाटका, सिक्किम, त्रिपुरा, इन स्टेट्स के बारे में यहाँ बच्चे बातें कर रहे हैं। ये इंडिया का मैप है, यू नो डैट प्रेजेंट टाइम 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हियर नोट, ए एक न्यू नया 29th स्टेट राज्य तेलंगाना हैज़ बीन मेड बना इन मई जून 2014। अ न्यू 29th स्टेट तेलंगाना हैज़ बीन मेड इन जून 2014। जून 2014 में तेलंगाना एक न्यू स्टेट बना, 29th स्टेट, बट नाउ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, पहले 7 थे अब 8 हो गए, तो अब 28 स्टेट्स हो गए एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ये हैं स्टेट्स, डिफरेंट कलर से शो कर रखे हैं ऑन द मैप ऑफ इंडिया। स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट है, इसकी कैपिटल है देहरादून, देन इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे, ओके, जैसे पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है। द क्वेश्चन वन, द कर्नाटका टीम स्टार्ट शुरू फ्रॉम से बेंगलोर एंड और मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और कहाँ मूव किया, नॉर्थ डायरेक्शन में। विच कौन सा स्टेट राज, विच कौन से स्टेट्स राज डज इट, इट इसे क्रॉस टू रीच दिल्ली, क्रॉस करते हैं, पार करते हैं टू को रीच पहुँचने में दिल्ली। द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, कर्नाटका की टीम ने बेंगलोर से स्टार्ट किया और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, तो विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के लिए कौन से स्टेट्स इस टीम ने क्रॉस किए होंगे। यहाँ है कर्नाटका, यहाँ से बेंगलोर से स्टार्ट करी और मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन है नॉर्थ। सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, मीन्स आप ऊपर साइड देखे हैं उधर नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका फेस है और आपका फ्रेंड आपके लेफ्ट साइड खड़ा है, तो ये फ्रेंड आपके वेस्ट डायरेक्शन में है, ओके, और जो राइट साइड खड़ा है वो आपके ईस्ट डायरेक्शन में है, फेस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपकी जो बैक पीठ की ओर खड़ा है वो आपके साउथ डायरेक्शन में है, नीचे की ओर। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओके, ऐसे आपको डायरेक्शंस का आइडिया आएगा। कर्नाटका से स्टार्ट किया, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना, कौन से स्टेट्स क्रॉस की करते हैं ये टीम दिल्ली पहुंचने के लिए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट, देन मध्य प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश को एमपी भी कहा जाता है, देन राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली, ये है दिल्ली।
सो टोटल 5 स्टेट्स क्रॉस किए. सो आप यहाँ पर फिल करेंगे इन योर बुक महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, आप मैप से देख सकते हैं, देन राजस्थान, देन यूपी, राजस्थान यूपी बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली, राजस्थान हरियाणा यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश. यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर की ओर है इसलिए है उत्तर प्रदेश. प्रदेश स्टेट ओके, उत्तराखंड है यहाँ पे. नाउ टर्न दिस पेज, ओपन पेज नंबर 122. क्वेश्चन टू, जम्मू एंड और कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज है टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, नॉर्थ डायरेक्शन में है दिल्ली से नॉर्थ. सो द टीम फ्रॉम से देयर वहाँ ट्रेवल्स यात्रा टुवर्ड्स को साउथ, साउथ की ओर टू को रीच दिल्ली, दिल्ली पहुँचने के लिए. विच कौन से स्टेट्स राज्य डज इट क्रॉस, यह इट यह क्रॉस पार, कौन से राज्य यह पार करता होगा यह टीम. जम्मू एंड कश्मीर इज टू नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टूवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली. विच स्टेट्स डज इट क्रॉस, जम्मू कश्मीर दिल्ली से नॉर्थ में है, इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली. सो तो यह टीम जो यहाँ पे है वो ट्रेवल करेगी टूवर्ड साउथ में, दिल्ली पहुँचने के लिए साउथ डायरेक्शन में, तो कौन से स्टेट्स को वह क्रॉस करती है. हियर दिल्ली एंड इसके नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर की टीम साउथ की ओर ट्रैवल कर रही है दिल्ली पहुंचने के लिए, तो कौन से स्टेट्स क्रॉस करेगी, ये है साउथ आपके राइट साइड, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है ओके. राइट साइड ईस्ट लेफ्ट वेस्ट अप नॉर्थ डाउन साउथ, सो अप से आ रही है फ्रॉम नॉर्थ से डाउन दिल्ली की ओर, डैट मीन्स साउथ डायरेक्शन. सो कौन से स्टेट्स क्रॉस करेगी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यह है पंजाब, हरियाणा दिल्ली, दिल्ली में फिर पहुंचेगी ये, हिमाचल प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा, थ्री स्टेट्स. राइट हियर हिमाचल प्रदेश, देन पंजाब एंड हरियाणा. HARYANA हरियाणा, आप मैप से भी देख सकते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, नोनू लिव्स इन गुजरात, लिव्स रहता इन मैं गुजरात, नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनूस फ्रेंड, नोनू का फ्रेंड दोस्त जावेद लिव्स रहता इन मैं वेस्ट बंगाल, नोनूस फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, नोनू का फ्रेंड जावेद वेस्ट बंगाल में रहता है. नोनू वांट्स, नोनू चाहता, वांट्स चाहना टू को विजिट हिज फ्रेंड, नोनू अपने फ्रेंड के वहाँ जाना चाहता है, विजिट करना चाहता है. इन विच कौन से डायरेक्शन दिशा में विल ही वह ट्रैवल यात्रा करेगा,
इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल, कौन से डायरेक्शन में वह ट्रैवल करेगा। नोनू गुजरात में रहता है और वह अपने फ्रेंड जावेद के वहाँ जाना चाहता है वेस्ट बंगाल में। सो फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल, हियर गुजरात, यहाँ पर गुजरात स्टेट है और वह जाना चाह रहा है वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये जा रहा है अपने राइट साइड, दैट मीन्स ईस्ट। एंड इन योर मैप यहाँ पर लिखा है ईस्ट, सी दिस, इस साइड जाएंगे तो वेस्ट, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, अप साउथ डाउन, अप नॉर्थ डाउन साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दैट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में, गुजरात से वेस्ट बंगाल जाने के लिए ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। सो राइट हियर सी दिस, सिंस वेस्ट बंगाल इज द ईस्ट ऑफ द गुजरात, गुजरात से ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स की ओर, वेस्ट वेस्ट की ओर, ऑप्शन बी टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर, टुवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर इज, क्या देयर यहाँ एनी कोई स्टेट राज्य विच है, इज टू, इज है, विच कौन सा, टू द नॉर्थ ऑफ के जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ में, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ साइड कोई स्टेट है, लेट्स सी ऑन मैप। हेयर जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, अप, जम्मू एंड कश्मीर से अप नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कोई स्टेट है इंडिया का, नो, सो राइट हियर नो स्टेट टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट हियर नो। यहाँ पर आपको मैप से डायरेक्शन के बारे में आपको आइडिया आ जाए और आपको ये बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सेम ही डायरेक्शन में हो, लाइक जैसे आपने दिल्ली से कंपेयर किया तो जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि आपको अब जाना है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पर देखें तो इससे नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ नहीं है। हेयर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से तो ईस्ट डायरेक्शन में है क्योंकि मध्य प्रदेश से आपको राइट साइड आना है ईस्ट डायरेक्शन में, बट अगर आप झारखंड से देखें तो ये है लेफ्ट में, डैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। ओके, सो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ईस्ट डायरेक्शन में है, बस बट अगर आप झारखंड से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव इज, देयर यहाँ एनी कोई स्टेट राज्य विच इज है टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के वेस्ट में, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, क्या यहाँ गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है, नो, हियर इज नो स्टेट वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के आप वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ कोई भी स्टेट नहीं है, यह है अरेबियन सी। ओके, सो राइट हियर नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, इफ यदि 1 सेंटीमीटर ऑन पर द मैप नक्शा सोच दिखाता 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यूज दिस स्किल टू फाइंड आउट इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोच 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड,
यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट. अगर मैप में 1 सेंटीमीटर शो करता है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर को अगर आपने शो करना है मैप में, तो आप ले रहे हैं ओनली 1 सेंटीमीटर. 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, बट ऑन द मैप 200 किलोमीटर इज 1 सेंटीमीटर. तो आपने इस स्केल का यूज करते हुए फाइंड आउट करना है. स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर. दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड 200 किलोमीटर, बट ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर. तो आपने फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन ए, अबाउट हाउ, कितना फार दूर इज है दिल्ली फ्रॉम से जयपुर. अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, दिल्ली जयपुर से कितना फार है, कितना दूर है. ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, और ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, और ऑप्शन सी 250 किलोमीटर. या 50 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर, या 250 किलोमीटर. मैप में हम देखेंगे, हेयर दिल्ली, ये है दिल्ली, यहाँ पे है जयपुर राजस्थान. तो आपको चेक करना है डिस्टेंस फ्रॉम स्केल, इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर. ऑप्शन में 200 किलोमीटर नहीं है, 250 किलोमीटर नियरेस्ट टू 200 किलोमीटर. ओके, एंड हम ये स्केल पे चेक कर रहे हैं. सो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लिटिल बिट, अबाउट 1.2 और 1.3. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर है. 1 सेंटीमीटर से लिटिल बिट मोर, दैट मीन्स लिटिल बिट मोर देन 200, मीन्स 250 किलोमीटर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिल्ली इज 250 किलोमीटर फार फ्रॉम जयपुर. किलोमीटर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होती है, जैसे आप स्कूल टू होम और होम टू स्कूल 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ऐसे दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. नेक्स्ट, एस्टिमेट हाउ फार, कितना दूर इज है जयपुर फ्रॉम से भोपाल, भोपाल से एस्टिमेट करो. आंसर आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, पता लगाना है, फाइंड आउट करना है, हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, जयपुर भोपाल से कितना दूर है. ऑन द मैप डैश सेंटीमीटर, ऑन द ग्राउंड डैश किलोमीटर. मैप में भी बताना है और ग्राउंड में भी. यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम ऑन द मैप चेक करेंगे. मैप में कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो आपको एस्टिमेट करना है, मेजर करना है जयपुर फ्रॉम भोपाल. हेयर जयपुर, सी दिस ब्लैक डॉट, एंड हेयर भोपाल. ऑन द स्केल जॉइन बोथ पॉइंट्स. इट्स अबाउट 2 सेंटीमीटर. ये लगभग 2 सेंटीमीटर है. सो ऑन द मैप 2 सेंटीमीटर, एंड ऑन द ग्राउंड, बिकॉज ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर इज 200 किलोमीटर. सो 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 200. सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, देयरफोर 1 × 2 = 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेंटीमीटर फाइंड करने के लिए ऑन लेफ्ट साइड. ऑन राइट साइड, राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 400 किलोमीटर. ऑन मैप सिंस ऑन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, सो ऑन मैप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर. ऑन द मैप राइट हेयर 2 सेंटीमीटर, ऑन द ग्राउंड राइट हेयर 400
400 किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं. सो हियर सम क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट डे करेंगे. आपको मैप प्रिपेयर करना है ऑन योर फेयर कॉपी और एक A4 साइज पेज में आप ड्रॉ करेंगे मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे फिर पेज स्टिक कर देंगे. ओके, उसमें स्टेट शो करना है आपने. आपको स्टेट्स का आइडिया आ जाएगा. देन ऑल क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट डे. दिस इज इनफ फॉर टुडे.